सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं पंकज शर्मा। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया कि अगर आपका अकाउंट जो है कि केनरा बैंक में या जो कि स्टेट बैंक में है तो आप कैसे जो है कि बैलेंस चेक कर सकते हैं घर बैठे और कैसे जो कि मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका मैंने आप सबको बताया था। उस वीडियो पर आप सब ने बहुत सारा जो है कि प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जो है कि बताने वाला हूँ कि अगर आपका अकाउंट जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो कैसे जो कि आप बैलेंस घर बैठे अपने फ़ोन के द्वारा चेक कर सकते हैं और कैसे मिनी स्टेटमेंट जो कि चेक कर सकते हैं, यानी कि आपका जो है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है कि कैसे निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट का जो है कि अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भी बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द फॉलो कर ले, उसका लिंक जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमारा अकाउंट जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो कैसे हमें जो है कि बैलेंस चेक करना है घर बैठे, जो मैं आपको यहां पे तरीका ना बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जो है कि स्मार्टफोन ही है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास जो है कि कीपैड फ़ोन है तभी जो है कि आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरे स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको जो है कि अपने उस नंबर से जो है कि मिस कॉल देना है जो नंबर आपके जो है कि बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में अगर यानी कि अगर आपका अकाउंट जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है उसमें अगर आपका जो है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और जो है कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देते हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है कि अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है तो आपको बैलेंस मिस कॉल देने के साथ ही देखने को मिल जाएगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बैंक में जा करके जो है कि अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा सकते हैं, या जो है कि मैं उसके ऊपर जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे जो है कि आप अपना मोबाइल नंबर जो है कि अपने अकाउंट के साथ जो है कि रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आप अपना जो है कि बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा इस नंबर पे मिस कॉल करके आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा जो है कि बैंक अकाउंट जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो कैसे जो है कि यहाँ पे जो है कि मिनी स्टेटमेंट जो है कि हम चेक कर सकते हैं, यानी कि जो है कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे चेक कर सकते हैं कि कब हमने जो है कि बैलेंस कहीं पे भेजा था या जो कि बैलेंस आया था उसका जो कि हिस्ट्री कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है कि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस वही करना है जो आपको बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस नंबर पर जो है कि आपको उस नंबर से मिस कॉल देना है जो नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, अगर आपके जो है कि बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपना जो है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी कि मिनी स्टेटमेंट नहीं चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका जो है कि बैंक अकाउंट में जो है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप आसानी से यहाँ से जो कि इस नंबर पर मिस कॉल दे करके आप जो है कि अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यानी कि मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बस यही एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसा ही एक वीडियो के साथ।